गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोग डिस्कस कर रहे थे गुड मॉर्निंग एसिड सर। और बेस, है ना। तो एसिड और बेस दोनों में हम लोग डिस्कस कर चुके, इंडिकेटर के बारे में बताए थे। इतने तरह के इंडिकेटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। लिटमस वर्ड किस वर्ड से आया है ये बताइए। लिटमस वर्ड किस वर्ड से आया है कौन बताएगा? लिटमस वर्ड किस वर्ड से आया है? तो विराट कश्यप बोलो। यस बिल्कुल। तो हम लोग इतने इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किए थे। फिनॉल फिटेलिन के बारे में कौन जानता है? फिनॉल फिटेलिन से हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है? फिनॉल फिटेलिन के हेल्प से हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है? सानी दिशांचित बोलो। सर अगर वो एसिडिक मीडियम में रहेगा तो वो कलरलेस रहेगा, और अगर वो उसका कलर पिंक में टर्न होगा तो वो बेसिक मीडियम में बेसिक कलर है। ओके, विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक, यानी विद द हेल्प ऑफ सर टर्मरिक हाउ कैन वी फाइंड द एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम? सर अगर वो रेड में रहेगा तो बेसिक मीडियम, और येलो में ही रहेगा तो वो एसिड मीडियम एसिडिक मीडियम। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एसिड और बेस डिस्कस कर लिए कि एसिड और बेस और इंडिकेटर के बारे में कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से मीडियम एसिडिक मीडियम है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर एंड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। टेस्ट के हेल्प से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेस है ना। तो अगर टेस्ट सावर है तो वह एसिडिक मीडियम है, और अगर टेस्ट बीटर है तो बेसिक मीडियम है। ओके, तो चार हम लोगों ने, एक आपने लिटमस पेपर कर लिया, दूसरा टर्मरिक लिया, और तीसरा जूस ऑफ चाइना लिया, और चौथा जो है आपको फिनॉल फिटेलिन लिया। यही चार था ना, यही चार था ना। यस सर। तो ये हम लोग चार नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक हुआ है ना, ये जूस ऑफ चाइना हुआ, और इससे इसके बाद मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी बात की कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जो आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी डिस्कस किए थे, और फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ओके, तो अब हम लोग एक्टिविटी थ्री, जो मैंने कहा था कि आप एक्टिविटी थ्री पढ़ के आएंगे, होमवर्क मिला था ना जी, एक्टिविटी थ्री पढ़ के आना है। पढ़ लिया? जो इसने पढ़ लिया वह रेज करेगा एंड्स को और एक्सप्लेन करेगा। कौन कौन बच्चे ने ठीक है, कोई कोई किसने बताएगा? एक्टिविटी थ्री पढ़ लिया? आर्यन तुमने पढ़ा? आर्यन आर्यन पढ़ लिया एक्टिविटी थ्री को एक्सप्लेन करना है?
चलो तो देखो, ये एक्टिविटी थ्री में कहता है टेक, कौन बताएगा एक्टिविटी थ्री को? टू पार्टिसिपेंट, प्रज्ञा, प्रज्ञा बताओ, प्रज्ञा और श्वेता दो बच्चे ने हिम्मत किया। चलो बताओ, एक्सप्लेन सर करो। श्वेता अब रा हैंड को रेज ही नहीं किए थे। एक्टिविटी हाँ थ्री में हम लोग को हाइड्रोलिक एसिड का 10 ml लेना है, एक कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें हम लोग को लिटमस सॉल्यूशन का 2 बूंद डालना है। हाँ अगर वो रेड में टर्न हो जाएगा तब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? यानी नहीं बता पाए? सुनना है न, कहाँ है? सर कोई नहीं, श्वेता आर्यन बोलो। आर्यन आर्यन, ये वो कहता है टेक 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉनिकल फ्लास्क। फिगर में आपको कॉनिकल फ्लास्क दिया हुआ है, उस कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट, मैंने दो तरह के एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ने बात किया था, दो तरह के एसिड है डाइल्यूट और कॉन्क। जो डाइल्यूट एसिड होगा वह आपको कॉन्क के कंपेरिजन में वह क्या होगा, वीक होगा, है ना? तो यहाँ पे जो डाइल्यूट एसिड को डाला गया है कौन इस फ्लास्क में, और ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। यहाँ पर लिटमस पेपर नहीं है, उसका सॉल्यूशन है। ओके, तो इस जगह आपको लिटमस पेपर का सॉल्यूशन डाला गया है 2 ड्रॉप। नाउ ऐड ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, ये बेस हो गया, और वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से ही क्लियर है कि वह एसिड है, यानी दोनों को कंबाइन किया गया, एसिड और बेस को, है ना? ड्रॉप बाई ड्रॉप टू टेक द फ्लास्क एंड कीप ऑन स्वेलिंग द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली व्हाइल द एडिशन इज बीइंग डन। तो कहता है उसको हिलाना भी है ना? ठीक है, तो उसको धीरे धीरे एट सम पॉइंट एडिशन ऑफ एनोदर ड्रॉप्स ऑफ बेस टू द फ्लास्क वुड चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो जिससे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा कुछ ऐसे, जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स ड्यूरेशन करने के ड्यूरेशन में ही वह जो है आपका कलर वह रेड कलर में चेंज हो जाएगा, है ना? रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू में चेंज आ जाएगा। तो दिस हैपन्स व्हेन ऑल द एसिड इज इन द फ्लास्क हैज बीन न्यूट्रलाइज बाय द बेस एंड एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ऑफ बेस मेक द सॉल्यूशन बेसिक एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू। तो इसमें क्या हो गया कि आपको सुनाई दे रहा है ना, तो वह मतलब एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, कितना अमाउंट लिया हम लोगों ने, 10 ml लिया, ठीक है, 10 ml ले लिया, और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें जो है आपको लिटमस सॉल्यूशन का 2-3 ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। अब क्या किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें मिक्स किया जा रहा है ना? तो
कौन बोल रहा है? तो उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस केस में कंप्लीटली वो रेड टू ब्लू बन जाएगा, इट मींस कि वो न्यूट्रलाइज हो गया, है ना? रिएक्शन जो है वह आपने यहाँ पर क्या किया, जो है एसिड को डाला उसमें, लिटमस सॉल्यूशन को डाला उसमें, लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा है, किस कलर का है लिटमस सॉल्यूशन का? ब्लू लिटमस है, तो ब्लू अगर रेड बन गया, है ना? यानी लिटमस सॉल्यूशन को डाला गया किस कारण, उसके कलर को चेंज करने के लिए डाला गया, इसके कलर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यानी ये फाइंड आउट करना था कि ये एसिड है या नहीं है। उसके लिए उसमें क्या किया गया, जो है आपको आर्यन क्या कर रहे हो आर्यन, तो इस केस में आपको यानी कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें 10 ml आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद आपने क्या किया, लिटमस सॉल्यूशन लिया, ना कि लिटमस पेपर लिया, लिटमस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया, उसमें ऐड किया। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को जब ऐड किया गया तो उसका कलर चेंज हो गया रेड कलर, क्योंकि एसिड डेंजर होता है, तो मैंने पहले ही बताया कि उसको किस कलर में चेंज होगा, तो ब्लू रेड में बदल गया, रेड डेंजर का सिंबल है। तो आपको ये रेड कलर में चेंज हो गया। अब क्या किया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स कराता गया। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़े हैं कि एसिड को जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा और साल्ट इन वाटर फॉर्म करेगा। तो इस केस में जो रेड कलर बन चुका है, क्योंकि हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डाला है, उसका कलर धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे ही हम बेस को डालेंगे, वह बेस वन बाय ड्रॉप बेस डाला जा रहा है, अगर वह कलर चेंज हो जाता है ना, कम्प्लीटली एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वह कम्प्लीटली ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, इट मीन्स वह पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया, है ना? वह जो सॉल्यूशन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया और सॉल्यूशन बन गया बेसिक उसका नेचर। तो यानी यहाँ पर साल्ट एंड वाटर है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, तो इस तरह से वह ब्लू कलर में चेंज हो गया और हम यहाँ पर जो है साल्ट एंड वाटर फॉर्म कर गया। ओके, तो दैट मीन्स कि एक्टिविटी 3 में आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप ही लोगों से पूछेंगे कि कौन समझ पाया कि नहीं, इसीलिए बी अलर्ट, सावधान हो जाए। आपको पूछा जाएगा क्या किया गया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया, कोनिकल फ्लास्क में आपको 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया, ठीक है? 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया, ना कि आपको लिटमस पेपर लाया गया। ब्लू लिटमस पेपर डालने पर उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो गया पूरे सॉल्यूशन, यानी 10 ml जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसका कलर किस कलर में चेंज हो गया, आपको रेड कलर में चेंज हो गया। अब क्या गया, क्या जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस को डाला जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसके कलर में चेंजेज होगा, यानी रेड से वो ब्लू में धीरे धीरे वो स्लाइटली चेंज होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस को डाल रहे हैं, वह बेस कौन सा चीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक ऐसा पॉइंट्स बनेगा जहाँ पे वह कम्प्लीटली ब्लू चेंज हो जाएगा, यानी वह रिएक्शन क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर गया और बेसिक सॉल्यूशन में फॉर्म कर गया, वहाँ पे साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो इस तरह से एक्टिविटी 3 में हम लोग ये एक्सप्लेन करता है ना? ओके, तो आप बताएंगे रिया कुमारी क्या प्रॉब्लम है? सर, रिया स्वेलिंग मतलब क्या होता है? स्वेलिंग हिलाना है, स्टेलिंग स्वेलिंग होता है ना, उसको हिलाना है धीरे धीरे, इसमें जो एक जगह लिखा हुआ है ना स्वेलिंग कहीं पर,
लिखा हुआ है कहीं पर, तो वो हिलाना डुलाना हुआ उसको। हाँ सर, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। हाँ वो हिलाना डुलाना हुआ वो। और बोलो और क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए पूछना था। चलो ये बेस्ट वैश्वी सागर, क्या दिक्कत है? सर उसी में ब्लू सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना है हाँ, उसी उसी में सॉल्यूशन में जिसमें हाँ, ओके जिस सर। वह कॉनिकल फ्लास्क में पहले हमने क्या डाला बोलो? ब्लू पहले 10 ml, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ml। हाँ 10 ml यस सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, इसके बाद क्या डाला? लिटमस सॉल्यूशन 2 ml। कौन सा सॉल्यूशन? लिटमस सॉल्यूशन में किस कलर का ये भी न जानना जरूरी है? टू ब्लू कलर का, तो ये भी न बोलना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला गया ना कि पेपर डाला गया, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला गया तो क्या हो गया? व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लू रेड लिटमस में चेंज हो गया। हाँ रेड, टोटल 10 ml जो हाइड्रोक्लोरिक वह रेड कलर में चेंज हो गया। अब क्या करना है हमके, इसके बाद क्या करना है? सोडियम, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। हाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ये एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन, साइंस में जो है ना ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपन, उसके कलर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो आप देखेंगे कि स्लाइटली वो रेड से वो चेंजेज हो रही है ना, तो रेड से ब्लू की तरफ वो कन्वर्ट होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, पॉइंट्स का मतलब क्या, एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हम ड्रॉप्स ऑफ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डाल रहे हैं वो डालने के बाद वो कम्प्लीटली ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा है ना। उस केस में आप जो है वो आप समझेंगे कि ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज यानी साल्ट एंड वाटर फॉर्म कर गया और हमारा ये एक्टिविटी 3 क्लियर हो गया। ठीक है अभी डू यू नो मी, आपको ये कल भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटी इन आवर स्टोमिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमें डाइजेशन करने में हेल्प करता है, जो हम खाते हैं उसको पचाने में वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है। लेकिन जब हम एक्सेस ऑफ दिस एसिड गेट्स एक्रेटेड इन दिस स्टोमिक इट कॉजेज अनइजीनेस नौसा एंड पेन। जब हम ज़्यादा खा लेंगे या किसी भी वजह से है ना, कभी कभी कम भी खाने की वजह से, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि बॉडी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, वह किसी भी वजह से है ना, या तो ज़्यादा एक्सेस खाने की वजह से हो सकता है या बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, आप मैंने बाथरूम टॉयलेट को रोक दिए होंगे उस कारण से भी हो सकता है। तो अगर वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज कर गया तो आपको कैसा फील करेगा? अनइजीनेस फील करेंगे, वह कहीं ना कहीं पेन क्रिएट करेगा क्योंकि गैस का काम ही है प्रेशर डालना, वो कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगा वह है ना। नौसा आपको वह पेन, ये आपको नौशा यानी आपको नींद जैसे लगेगा है ना, बेहोशी की तरह आपको लगेगा, किसी किसी को फीट भी आ जाती है ना। तो एक्सेस अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी स्टोमिक में ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट कर जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? अनइजीनेस यानी हमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और आपको पेन क्रिएट होगा, नौशा क्रिएट होगा। ठीक है तो इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप क्या करते हैं, वो बेस का यूटिलाइज करते हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ आप बेस को यूटिलाइज कीजिए। और बेस को यूटिलाइज करने पर बेस को यूटिलाइज करने पर वह आपको रिएक्शन यूटिलाइज हो जाएगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपको इजीनेस फील होगा यानी कुछ आराम महसूस होगी। ओके okay?
क्लियर? कोई यस प्रॉब्लम? नो सर। तो जिसको एंटा एसिड बोला जाता है, जो आप आप प्रचार देता है टीवी वगैरह में इनो का कि 5 सेकंड में आप कंप्लीटली रिलीफ महसूस करेंगे, है ना? तो वह आपको जिस चीज का इस्तेमाल, जो भी मेडिसिन जैसे डॉक्टर्स वगैरह प्रेस्क्राइब करेगा पेंटा एसिड, है ना? अब बहुत सारे कंपोजिशन होंगे, उसी का नाम अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें आपको जो भी मेडिसिन होगा उसमें बेस कंबाइंड होगा, है ना? शुभ नारायण क्या प्रॉब्लम है? शुभ नारायण क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है सर? अगर एंटासिड ज्यादा ले लिए तो? एंटासिड ज्यादा लिए तो सर, अगर एंटासिड ज्यादा ले लिए तो? ज्यादा लेंगे तभी अनईजी महसूस होगा। कोई भी चीज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बेड। कोई भी चीज अच्छा से अमृत ही क्यों ना है, ज्यादा पिएंगे तो, ज्यादा लेंगे तो दिक्कत होगी ना जी। तो एंटा एसिड आप सोडियम, मतलब कोई ना कोई बेस बेस का अमाउंट आप ज्यादा लेंगे तो, वैसे बेस का काम वो आपको बीटर टेस्ट है, वो आप ज्यादा ले नहीं सकते हैं, वो आपको टेस्ट आपका जो टंग है वही अलाउ नहीं करेगा, है ना? एसिडिक चीज इसलिए लोग ले लेता है क्योंकि वह आपको किसी किसी का जो फेवरेट चीज है वह खट्टा की अच्छा आइटम्स है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो वह ले सकता है। ओके, तो वह आप ज्यादा लेंगे तो कोई भी चीज खराबी करेगा। और कोई प्रॉब्लम? और कोई दिक्कत सर? वो सर आगे है, बोलिए क्या है, बोलिए। नहीं है प्रॉब्लम, चलिए। तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सा एसिड रहता है? क्या आमला में कौन सा एसिड रहता है? अब तुम जितना भी फ्रूट्स है ना, जितना भी वेजिटेबल, ये फाइंड आउट करने के चक्कर में रह जाओगे ना तो एक ही चैप्टर में हो जाएगा कम। जो भी साइट्रस है खट्टा है वो साइट्रिक होगा, वैसे कोई जरूरी नहीं है, है ना? तो ये कहना आप, और ये फाइंड आउट जो बुक में दिया है उतना याद करो, अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो ताकि जब भी एग्जाम हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन अराइज किया जाए, आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते। और ज्यादा के चक्कर में ये 50% पर लटक जाता है। सर एसिड और बेस रिएक्ट करके कैसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करता है? जो आपको एक्टिविटी के हेल्प से भी दिखाया गया और प्रैक्टिकल भी बताया गया कि कोई सर एसिड और बेस रिएक्ट करके कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करता है? आपको ये तो प्रैक्टिकल भी बता दिया गया ना जी, कि अगर कोई चीज काट लेता है, जैसे बीज काट लिया या आंट्स काट लिया, चीटी काट लिया, तो वह एसिड रिलीज करता है। तो वहां पे आप बेस साबुन से रगड़ दो या बेकिंग सोडा से रगड़ दो, आराम करते तो न्यूट्रलाइज हुआ ना जी, तब ना आपको आराम मिला, आफियत मिला। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है? वो उसका जो स्ट्रेंथ है वीक कर गया, न्यूट्रल हो गया। कोई आदमी ज्यादा कुड़क रहा है ना, ज्यादा वो क्वेश्चन आया, उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, तो फिर क्या करेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा कि वो पूछते ही रह जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, इसमें तीन आपको रिएक्शन दिया गया है। पहला, जो एक्टिविटी के हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया गया, तो क्या फॉर्म किया? सोडियम क्लोराइड, वह क्या है? साल्ट है और वाटर फॉर्म किया गया। दूसरा रिएक्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने एक चीज सिंबल बता दिए थे कि जो भी बेस है उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप में OH रहता है, हाइड्रोक्साइड रहता है, OH, है ना? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया गया तो क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट और प्लस वाटर फॉर्म कर गया। ओके,
और थर्ड रिएक्शन है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट कराया गया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना प्लस वाटर बना ना, ये कभी है अब क्या था? बोलो सूर्यांश करता है भाग जाता है, इसे कौन सी बात, किसी को प्रॉब्लम? हाँ बोलो सूर्यांश क्या दिक्कत है? हाँ बोलो। सर कल सर आप सर एसिड पे आए, सर कल आप एसिड पे आए थे तो सर बोले थे जब बेस में जाए तो पूछना। तो बेस में पूछ, बेस में आ गए, बेस खत्म भी हो गया, बोलो। हाँ जोर से मैं सर बोलो। पूछना था सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा बेस पाया जाता है, बेस कौन सा बेस पाया जाता है? सर फाउंड इन कैसे होता है सर। हाँ? हाँ सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस ही है तो कौन सा बेस पाया जाता है, मतलब स्ट्रांग और वीक, ये कहना है तुमको। हेलो, किसमें पाया जाता है सर, किसमें पाया जाता है ये तो, पूछ रहे किसमें पाया जाता है। ये जो है ना वो किस चीज से पाया जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ना। जैसे आप वह नेचुरल चीज, वह एसिड जो है मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है, वो अलग से भी मिलता है और नेचुरल वे में आया, दोनों में फर्क है ना। तो ये जो भी बेस है चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो है ना, आपको पोटेशियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, ये सारे जो ये सोडियम सब साल्ट हो गया, और सॉरी ये बेस में ना हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ मिलेगा वो ये इस बुक में नहीं दिया हुआ है और ना जानना जरूरी है। ठीक है, और कुछ? बिरजू कुमार क्या दिक्कत है, और कुछ? बिरजू कुमार, इसको अनम्यूट कर रहे हैं तो अनम्यूट भी नहीं हो रहा। बिरजू कुमार क्या दिक्कत है, अपने से अनम्यूट होना होगा। सर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सर कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। सर अच्छा ये बुक में दिया हुआ है, पहले बुक को न जानो रे। यही एसिड बेस 10th में भी है, यही फिर 12th में भी है, तो तुम्हें पूरे दुनिया का पढ़ना है। अभी ये क्या कि कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा, एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा है ना, ये सब आपको जितना दिया है वह पहले डिस्कस कीजिए है ना। बुक से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वह डिस्कस कीजिए, बुक में नहीं ना है मेंशन। हाँ? सर तो फिर तो फालतू को डिस्टर्ब करना, आप अपना ये देखना है सबका बना हुआ सिलेबस ना जी, कि आपको कब कहाँ पढ़ना है कौन सी चीज़। ठीक है, हाँ बोलिए। H2CO3 है सर, उसको जानने की जरूरत नहीं है, वह हमको H2CO3 टेस्ट लेना नहीं है, वह आपके बुक में जो दिया है उतना ही पढ़ना है आपको, ये पहला आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके बाद आप इसको जान लेते हैं तो आगे पढ़िए, वह फाइंड आउट कब होगा कि आप जान गए, आप 40 या 40 ला दीजिए। एग्जामिनेशन एक इवेल्युएशन है, मूल्यांकन क्या है कि आप कहाँ हैं, किस स्टेज में, कितने पानी में है ना, ये फाइंड सारे आउट। क्लास में सारे सेक्शन में बस 2 से 3 बच्चे को 40 आया है। 40 लाने वाले कितने बच्चे हैं वो सर तो, एंटासिड फिर से बता दीजिए ना। एंटा एसिड हुआ जो एसिड से रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो एंटा एसिड कोई ना कोई बेस ही होगा। ओके, एंटा एसिड जो होगा वो कोई ना कोई बेस होगा जो एसिड से रिएक्ट करेगा और साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। ओके, क्लियर? वही एंटा एसिड कल आएगा। यस सर। और कोई प्रॉब्लम बोलो। यस और कोई दिक्कत? नो सर ये नो फोर्थ सर
ठीक है, तो अब हम लोग साल्ट में डिस्कस करेंगे। उससे आपको 40 मार्क्स वाले बोले ना? यस सर। वो तो वे हाँ बोलिए कि अपने आप कट गया था सर। आप अभी बता रहे थे क्या? एक मिनट, भूल नहीं रहा वाले। हाँ तो भूल नहीं रहा, वेट करो वेट करो। तो ये हम आज जब खुल जाएगा तो बताते हैं। पाया जाता है सेवन डी में जो है ना, कोई भी बच्चा 40 मार्क्स नहीं लाया है। सेवन डी में एक शिवम कुमार है, उसको 0.5 मार्क्स कट गया केवल। तो 30 वो 40 के लायक है, 40 है, 39.5 है, वो 40 के बराबर हो गया। 39.5 है तो 40 ही निकल आया है। सेवन डी में ये मेरा तेरा नहीं करना है, केवल 40 मार्क्स की बात कहा गया ना। फिर तो इसमें पूरा कब बताने की? सेवन डी में किसको 40 आया? सेवन डी की बात कर रहे हैं, शिवम कुमार है, उसको 39.5 आया, 40 आ गया। सेवन ई में, सेवन ई में किसको आया है? अच्छे चेक कर रहे हैं, उसको नजर दौड़ाना होगा। सेवन डी में किसी को नहीं आया क्या? शिवम को कैसे आ गया? मेरे से पूछा था। तू तो बताई तेरा खाली आदमी क्या लगा? हमें तो बताए थे शिवम को। एक बार क्लास में बात मत करो। सर यू आर म्यूटेड। क्रीज को है, सेवन ई में क्रीज को है। ओके सर, सेवन एफ में किसको 40 है? हाँ क्या क्रीज कुमार को सेवन ई में है, क्लियर? तो मेहनत करो। सेवन एफ में, सेवन एफ में होगा सर। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। सेवन ई में और किसी को नहीं, सेवन ई में और किसी को नहीं 40 आया है, बस कृषि को। हाँ कृषि है, वो कृषि हो गया। और सबको 39 है, वो अब एमसीक्यू में गलती किया है। तीन बच्चा है तो उसको 39 और एमसीक्यू में गलती। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चल आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
सेवन एप में सब बिरजा बताया सब सर यू आर म्यूटेड सेवन ऐप में वैष्णवी को है 40 मार्क्स ओके क्या सेवन ऐप में वैष्णवी फिर आपको आदित्य राज को भी आया है टाइप करके लिख दिया समझ में नहीं अब तो वह बादल लग गए ना जी इसीलिए गड़बड़ा रहा है हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है बादल लग गई है इसीलिए दिक्कत है ओके और कोई सुधांशु क्या दिक्कत है बोलो सुधांशु सुधांशु झा या अवनीत कुमार क्या दिक्कत है ये क्या कर रहा है तुम सर मेरा कितना आया है ये मेरा नहीं बोलना है ये आपको 40 जो हाईएस्ट मार्क है उसका बात किया जा रहा है यानी सोचो कि जो आउट ऑफ सिलेबस की बात करता है वह आप अपने आप को समझो कि मुझे अपना बुक पहले को उसको ख़त्म करो उस पर ध्यान दो